अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, ICS पार्ट 1। आज हम देखेंगे व्हाट इज कंप्यूटर एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 50% से ज़्यादा लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तमाम लोगों के दरमियान इनकी नज़र में कंप्यूटर की जो डेफिनेशन हैं वो अलग अलग हैं। कुछ लोग समझते हैं कि कंप्यूटर एक इंटरटेनमेंट का सोर्स है, कुछ लोग समझते हैं ये सिर्फ इसके थ्रू हम गेम्स खेल सकते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि ये एक बिज़नेस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करने वाली मशीन है। लेकिन अगर हम इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखें तो वो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि कंप्यूटर इज़ अ मशीन डैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू एक्सेप्ट डाटा, process data into useful information and store it for later use. यानी कि कंप्यूटर आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करती है, जो चार किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। चार ऑपरेशन कौन कौन से हैं? नंबर वन, एक्सेप्ट डाटा, कि वो क्या करती है, हमसे डाटा को एक्सेप्ट करती है। अब डाटा क्या है? डाटा हम अपने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड चीज़ वो क्या करती है, डाटा एक्सेप्ट करने के बाद कंप्यूटर उस डाटा के ऊपर प्रोसेस परफॉर्म करता है। ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, वो प्रोसेस कोई भी हो सकता है। अब प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद वो इसे कन्वर्ट कर देता है इंफॉर्मेशन के अंदर। और फोर्थ ऑपरेशन में क्या करता है, इस इंफॉर्मेशन को अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेता है। अब फर्स्ट पे हमने देखा डाटा, डेटा के लिए रिटर्न कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल की जाती है, उसे हम कहते हैं इनपुट। कोई भी चीज़ जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट। यानी कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट लेता है, ये इनपुट के ऊपर वो कोई खास ऑपरेशन प्रोसेस परफॉर्म करता है और प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद उसे कन्वर्ट कर देता है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन के लिए जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं आउटपुट। फिर इस आउटपुट को वो क्या करता है, इस आउटपुट को वो अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेता है। अब इस इनपुट प्रोसेस और आउटपुट और स्टोरेज के लिए, स्टोर करने के लिए हम डिफरेंट डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट डिवाइसेस आपकी इस्तेमाल होती हैं इन चारों ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। और वो डिवाइसेस क्या हैं, वो डिवाइसेस कंप्यूटर के क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट्स कहलाते हैं। पहला कंपोनेंट इनपुट डिवाइसेस, सेकेंड कंपोनेंट प्रोसेसिंग डिवाइसेस, थर्ड पे आते हैं मेरे पास आउटपुट डिवाइसेस, फोर्थ पे है मेरे पास स्टोरेज डिवाइसेस। सबसे पहले देखते हैं इनपुट डिवाइसेस को। वो तमाम के तमाम फिज़िकल डिवाइसेस या फिज़िकल कंपोनेंट्स जो इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर के साथ आप लोगों ने कीबोर्ड देखा होगा, वो कीबोर्ड क्या है, वो हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपना डाटा कंप्यूटर को इंटर करते हैं। सेम आपने एक डिवाइस और देखी होगी, माउस। माउस भी क्या है, माउस भी आपके पास एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, डाटा कंप्यूटर को देते हैं, इनपुट अपनी कंप्यूटर को देते हैं। तो वो तमाम की तमाम डिवाइसेज जो इनपुट देने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइसेज कहते हैं। सेकंड पे है मेरे पास प्रोसेसिंग डिवाइसेज, ऐसी डिवाइस जो प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेज कहते हैं। कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग डिवाइस है उसे हम CPU कहते हैं। CPU means Central Processing Unit, और ये कंप्यूटर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस है, इसके बगैर कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर की तमाम तमाम जो वर्किंग है वो आपका CPU कंट्रोल करता है। जितना अच्छा आपका CPU होगा उतना अच्छा आपके कंप्यूटर की वर्किंग होगी। नेक्स्ट पे हमारे पास है आउटपुट डिवाइसेस, और तमाम की तमाम डिवाइसेस जो आपकी इंफॉर्मेशन को, आपकी आउटपुट को आपको डिलीवर करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली जो आउटपुट डिवाइस है वो है आपका मॉनिटर। जो भी आप कंप्यूटर के ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं उनकी जो आपको डिस्प्ले, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, वो आपको कहाँ पर मिल रही होती है, वो आपके मॉनिटर या आपकी LCD जो आपके पास है, आपके कंप्यूटर के साथ अटैच है, वहाँ पर आपको मिल रही होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आउटपुट कहते हैं। ऐसी डिवाइसेस जो आपको आउटपुट प्रोवाइड करती हैं उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। मॉनिटर है और आपके पास एक और पॉपुलर आउटपुट डिवाइस
स्पीकर, ये भी आपके पास एक क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। नंबर फोर्थ पे है मेरे पास स्टोरेज डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस जो आपके डाटे को स्टोर कर लेती हैं ताकि आप फ्यूचर में उसे यूज़ कर सकें, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। कंप्यूटर जो स्टोरेज डिवाइसेस वो यूज़ करते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर चीज़ डिवाइस है हार्ड डिस्क है। इसके अलावा आपके पास बहुत सारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जैसा कि आपके पास USB ड्राइव है, आपके पास मेमोरी कार्ड्स होते हैं, ये तमाम की तमाम क्या हैं, ये आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं। कंप्यूटर ने डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जा करता है। डाटा को हम स्टोर क्यों करते हैं, ताकि हम उस डाटे को इन द फ्यूचर यूज़ कर सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।